नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रसाद त्रिपाठक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। आमतौर पे विमान यात्राएं बहुत ज्यादा बोरिंग हो सकती हैं। The flight today to Singapore will be covering 5 hours and 50 minutes. पर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आपको बताऊंगा विमान यात्रा के दौरान आप कौन सी चीजें कर सकते हो जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बी अ पार्ट ऑफ द यूआईसी फैमिली, और वो घंटी वाला आइकॉन भी दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। टाइम बचाने की बात कर रहे हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। पहली चीज जो विमान यात्रा के दौरान आप कर सकते हो वो है रीडिंग। लंबी और टाइम कंज्यूमिंग फ्लाइट में अगर आप कोई किताब लेके जाए तो आपके टाइम का एकदम सही उपयोग होगा, उसी के साथ आपको ढेर सारा नॉलेज भी मिल जाएगा। अगर एंटरटेनमेंट की किताब है तो मनोरंजन हो जाएगा आपका, तो रीडिंग इज माय फर्स्ट ऑप्शन। दूसरी चीज जो लंबी और बोरिंग फ्लाइट्स पे आप कर सकते हैं वो है मूवी देखना। पहले से ही आपके मोबाइल फोन में कुछ मूवीज लेके चलिए या फिर कोई वीडियो डाउनलोड करके रख दीजिए। यूट्यूब वाले हमारे कई सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है यूआईसी ब्लॉग जिसपे मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करता हूं, तो वहां से भी आप वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हैं और बाद में फ्लाइट में आप देख सकते हैं। तीसरी चीज जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है प्लानिंग। किसी महान व्यक्ति ने कहा कि इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में। फिर आपकी स्टडीज की प्लानिंग हो सकती है, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस रिलेटेड प्लानिंग हो सकती है। अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो तो ट्रिप पे आपको जो सारी चीजें करनी है, जो सारे लोकेशंस में घूमना है, उसकी आप प्लानिंग कर सकते हो। तो फ्लाइट में जो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है उसका सदुपयोग करना है, बस यही एम है अपने वीडियो का। प्लानिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो आपका मोबाइल फोन या फिर पेन और पेपर तो है ही, वो रखिए हमेशा बैग में। चौथी चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसे आमतौर पर हम निग्लेक्ट करते हैं या फिर नहीं करते, टाइम निकालते नहीं है सेपरेट मेडिटेशन करने के लिए। अभी मुझे पता है कि फ्लाइट में ऊपर माहौल जो होता है वो काफी कानों को तकलीफ देने वाला हो सकता है। फ्लाइट में आवाज तो माशाल्लाह इतना होता है कि मुझे पर्सनली नींद बिल्कुल नहीं आती। नींद पे आऊंगा मैं बाद में, पर ये कहने के बावजूद मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मेडिटेशन बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो फ्लाइट में। पर अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें पिन ड्रॉप साइलेंस की जरूरत है मेडिटेट करते समय, तो यार ये लेके चलिए नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स, बस पहन लीजिए और लग जाइए। ओम शांति। चलिए, मेडिटेट आपको नहीं करना है, ईयरफोन्स आपके पास है तो आप गाने सुन सकते हो, यू कैन लिसन टू म्यूजिक। गानों के मामले में एक स्पेशल टिप दूंगा मैं आपको। हर किसी की पसंद के कुछ पर्टिकुलर गाने होते हैं, तो वो जॉनर छोड़ के एक कम्प्लीटली नई कैटेगरी एक्सप्लोर कर सकते हो आप, या फिर एक पूरी तरह से नया बैंड आप कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर सकते हो फ्लाइट पे। जैसे कि मैंने क्वीन, ये जो बैंड है, इसके सारे गाने सुन डाले थे, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे ये बैंड, पहले सुना नहीं था मैंने इसे। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। और बाय द वे, क्वीन इस बैंड का बोहेमियन रैप्सोडी ये गाना सुनिए, पीस ऑफ आर्ट। म्यूजिक के अलावा आप खेल सकते हैं गेम्स। गेमिंग का नाम काफी बदनाम है, काफी लोग इसे टाइम वेस्ट मानते हैं, बट मैं पर्सनली मानता हूं कि गेमिंग से आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत तेज हो सकता है, उसी के साथ आपका जो ओवरऑल अवेयरनेस है वो गेमिंग के माध्यम से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो गेमिंग इज अनदर गुड ऑप्शन। उसके अलावा एक और मेरी पर्सनल फेवरेट चीज है, वो है मोबाइल फोन को ऑर्गेनाइज करना। आमतौर पर हमारे मोबाइल फोन पे ऐसा ढेर सारा डेटा होता है जो हम यूज नहीं करते, व्हाट्सएप पे कई सारी इमेजेस और वीडियोस आके पड़े होते हैं, तो उन्हें फिल्टर करना, देखना और डिलीट करना आप कर सकते हो फ्लाइट पे। अनदर वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स जो आप फ्लाइट पे कर सकते हो, दैट इज मेक अ टू डू लिस्ट। आप आपकी ड्रीम लिफ्ट या फिर टू डू लिफ्ट बना सकते हो, ढेर सारा टाइम होता है आपके पास, तो आराम से बैठिए, सोचिए और मस्त सी लिफ्ट बनाइए आपके लिए। सेकंड लास्ट चीज जो मैंने लिफ्ट पे रखी है, जो आमतौर पे मैं खुद नहीं कर पाता, वो है सोना। फ्लाइट पे सोना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फ्लाइट में इंजन का बहुत ज्यादा नॉइज आता है, तो अगेन जो आपके नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स है ये काम आएंगे आपके। खाने पीने के बाद हेडफोन्स लगा करके अगर आप सो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सोना अगर पॉसिबल है तो इट इज अ वेरी नाइस थिंग। एंड नाउ द लास्ट थिंग व्हिच आई रेकमेंड यू गाइस टू डू ऑन अ फ्लाइट इज खाना नहीं। खाना तो बाई डिफॉल्ट आ गया ना, वो तो सभी करते हैं। द लास्ट थिंग दैट आई रिकमेंड इज सोशलाइज। बगल में जो पर्सन बैठा है उसे बात करिए। आमतौर पे अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो बाजू में जो को पैसेंजर बैठा है उसे ज्यादातर लोग बात नहीं करते, पर करिए फॉर अ चेंज, जस्ट सोशलाइज। पता नहीं कौन सा कॉन्टैक्ट कहाँ से निकला है और शायद एक नया रिलेशनशिप बन जाए आपका, या फिर एक बिजनेस डील हो जाए, यू नेवर नो। तो दोस्तों, ये थी वो 10 चीजें जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आपको। अगर अभी आप फ्लाइट के लिए निकल रहे हो तो हैप्पी लैंडिंग्स। बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मैं प्रसाद त्रिपाठक आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप, एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। बाय बाय।